नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SSB क्रैक एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन दिनों इंडियन आर्मी की न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म चर्चा का विषय बनी हुई है। इंडियन आर्मी की न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म का पहला लुक 15 जनवरी 2022 को आर्मी डे परेड में दिखाई दिया। 74th रेजिंग डे के अवसर पर दिल्ली कैंट स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड में थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को सलामी देने के लिए पैरा SF कमांडो का दस्ता इस नई वर्दी में सामने आया था। इसके बाद भारतीय सेना चीफ जनरल MM नरवणे 19 जनवरी 2022 को ईस्टर्न कमांड का दौरा करने इस नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म में ही पहुंचे थे। तो चलिए जानते हैं नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म के बारे में कुछ विशेष जानकारियां। कुछ विशेष सूत्रों के अनुसार नई आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म को 15 पैटर्न, 8 डिजाइन और 4 फैब्रिक के विकल्पों के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म में जो कैमोफ्लाज है वो ज़्यादा बेहतर है। अमेरिका समेत कई देशों की आर्मी डिजिटल पैटर्न का इस्तेमाल करती है। मौजूदा यूनिफॉर्म में शर्ट पैंट अंदर डाली जाती है और बाहर से बेल्ट लगाई जाती है, जबकि नई यूनिफॉर्म में बेल्ट अंदर होगी और शर्ट बाहर होगी। आर्मी अधिकारियों के मुताबिक इससे काम करने में आसानी होगी और इसके फैब्रिक में भी डिफरेंस है। ये यूनिफॉर्म हल्की होने के साथ साथ ज़्यादा मजबूत है, इजी टू वेयर, इजी टू मेंटेन और इजी टू वॉश है। ये यूनिफॉर्म आर्मी के काम करने की परिस्थितियों, जरूरतों और जंग के मैदान में सैनिकों की वर्दी में एक रूपता के लिहाज से तैयार किया गया है। ड्रेस की खूबियों में एक इसका हल्का होना है, इसे महिलाओं के लिहाज से भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाया गया है। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ड्रेस को डिज़ाइन करते समय इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया कि सैनिक अलग अलग क्षेत्र में उसे पहनकर अपनी भूमिका निभा सके। इसे पहनकर आसानी से पहचान में आना भी मुश्किल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने लाइक और कमेंट्स के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।